रहेगी उस आदमी पर कड़ी नजर रखना सच है इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज पार्शल ट्रूथ दिस इज पार्शल ट्रूथ मैं रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ चलो मैं रास्ते में तुम्हे सब बताता हूँ अब आखिर क्या होता है की हम ऐसा सीख लेते हैं की ता है ते है ती है

बेशक ये ताहू पर एंड हो रहा है लेकिन मीनिंग तो इसका फ्यूचर का है कि मैं आपको बताऊंगा इसलिए यहाँ पर विल का हम यूज करेंगे आई टेल यू एवरीथिंग ऑन द वे आई टेल यू एवरीथिंग ऑन द वे तुम्हें ये अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो उसने मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया इल्जाम लगा देना उसको इंग्लिश में कहते हैं अक्यूज यू हैव नो आइडिया होम यू आर अक्यूजिंग यू हैव नो आइडिया होम यू आर अक्यूजिंग

We are supposed to do everything within the law. मैं वो सब करूँगा जो मेरे बस में होगा काश उसे मनाना मेरे बस में होता जब आप ऐसी बातें करते हैं ना कि ये मेरे बस में नहीं है ये मेरे बस की बात है या वो मेरे बस की बात है इंग्लिश में कहेंगे आई विल डू एवरी थिंग इन माई पावर आई विल डू एवरी थिंग इन माई पावर यानी जो भी चीज़ मेरे बस में होगी जो कुछ भी मेरे बस का होगा वो मैं करूँगा आई विल डू एवरी थिंग इन माई पावर काश उसे मनाना मेरे बस में होता आई विश इट वर इन वर् पावर टू कन्विंस हिम क्योंकि ये पास्ट मूड है तो हम यहाँ पर वर्ब की वर फॉर्म का यूज करते हैं इस बात को अच्छे से समझने के लिए और सीखने के लिए विश के सेंटेंसेस को बनाना आप एक वीडियो को देखना जिसमें मैंने स्पेशली बताया है कि विश वाले सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं स्पेशली विश को हम किस किस तरह से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर आई बटन में मिल जाएगा मेरी सोच उससे नहीं मिलती वो कुछ और सोचता है और मैं कुछ और सोचता हूँ उससे मेरी सोच नहीं मिलती मेरी और उसकी सोच कभी नहीं मिली है Present Perfect से हम लिंक कर रहे हैं कि अभी तक नहीं मिली है मेरी सोच उससे, आज तक कभी नहीं मिली। मिलती है जैसा आप सोचते हो ऐसा वो सोचता है आप अग्री करते हो आपस में सो आई डोंट सी आई टू आई विद हिम

जी हाँ खुजाने के लिए हम सिंपली स्क्रैच का यूज कर सकते हैं वैसे खुजली के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसमें मैंने बताया था कि खुजली हो रही है खुजा रहा हूँ इस तरह के को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं आई बटन में फिर से मैं आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर दूंगा He was left scratching his तुम सर क्यों रहते हो वाई डू यू की मुझे इस बात की तह तक पहुंचना पड़ेगा जब आप किसी चीज़ की तह तक पहुंचना चाहते हैं उसको डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है तब आप ऐसे कहते हैं इंग्लिश में इसके लिए क्या इक्विवेलेंट होगा हम क्या कह सकते हैं इस बात की तह तक पहुंचना मेरे लिए ज़रूरी है हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस आई विल द बॉटम ऑफ दिस मतलब इस बात की तह तक मुझे पहुंचना पड़ेगा इस बात की तह तक पहुंचना मेरे लिए ज़रूरी है